नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत दिन से रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा, एनटीपीसी या टेक्निकल का जो भी एग्ज़ाम, तो जैसा कि आप दैनिक जागरण का ये पेपर देख सक रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि रेलवे में भर्ती प्रक्रिया शुरू, परीक्षा की तैयारी। तो आप लोगों के लिए बड़ा ही खुशखबरी है कि जल्द ही रेलवे का जो भी परीक्षा पेंडिंग पड़ा हुआ था वो होने वाला है। जैसा कि अभी मैं पूरा न्यूज़ आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जागरण ब्यूरो नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते रेलवे में कई स्थानों पर थम गई भर्ती प्रक्रिया, जल्द ही चालू हो जाएगी। इस राह में सबसे बड़ा चुनौती लगभग 1.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का लगभग 1.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करना है। हालांकि परीक्षा कराने के लिए केंद्रों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार आने के साथ ही हम भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे में 35,200 पद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के हैं, जिनके लिए कुल 1.6 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यादव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदनों की जाँच करना ही अपने आप में बड़ा काम है था जो पूरा कर लिया गया है, यानी कि आवेदनों का जांच पूरा कर लिया गया है। स्क्रूटनी का सारा काम कंप्यूटर आधारित था। 3 वर्ष में पूरा होने वाला ऐसी भर्तियां मेरवन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 3 पदों की भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 में निकाला गया था। यादव ने बताया कि कोरोना की विपदा से पहले हम परीक्षा केंद्रों का चयन पूरा करने वाले थे, लेकिन महामारी ने रास्ता रोक दिया। उन्होंने कहा कि 1.6 करोड़ आवेदकों को परीक्षा के लिए एक साथ बाहर निकालना बड़ी चुनौती है, इसके लिए पूरी मुस्तैदी बरतनी होगी, लेकिन तैयारियां तेज कर दी गई है। यादव ने बताया कि असिस्टेंट कोच, पायलट और टेक्नीशियन के कुल 46,371 पदों पर भर्तियां हो रही है। इसके लिए 46 लाख आवेदन आए थे। इसमें भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी हुई है और चरणबद्ध तरीके से चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी भी किया जा रहा है। अगले वर्ष में होने वाली रिक्तियों के हिसाब से नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कोच, पायलट और टेक्नीशियन वर्ग के उच्च तकनीकी सेवाएं हैं, जिनमें नियुक्ति होते ही चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, इसलिए जरूरत के हिसाब से नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। यानी कि बहुत जल्द ही आप लोगों का एनटीपीसी का जो भी एग्जाम है वो पूरा कर लिया जाएगा। इसकी तैयारी जोरों शोरों पे है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना तैयारी को ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दें, ताकि जो भी कमी रह गई है उसे समय रहते पूरा हो जाए। तो ये थी एनटीपीसी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ न्यूज। यदि आपको ये न्यूज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।